नंबर 41, बट नाउ मेनी ऑफ देम आर रोटन. अब क्या हो गए, अब इसमें से ज्यादा क्या हो गए हैं. कल तो हमने क्या देखा था कि एक ही फल खराब था, अब तो इसमें क्या हो गए, लेकिन अब उनमें से कई फल जो बहुत सारे सड़ गए हैं. बोलते वाई, बोलते क्यों, ऐसा क्यों हो गया. रहीम्स फादर स्माइल एंड सेड, उसके पिता जो रहीम के पिता थे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ओनली वन रोटन एप्पल हैज स्पॉइल्ड द फ्रेश वन. एक सड़े हुए मतलब सेब ने ताजा फलों को क्या कर दिया, खराब कर दिया. लुक डियर माई सन, बोला देखो मेरे बच्चे, द एप्पल्स विल हैव टू बी थ्रोन आउट. अब क्या करना पड़ेगा, अब इन सारे फलों को क्या करना पड़ेगा, फेंकना होगा. वन बैड एप्पल हैज स्पॉइल्ड द होल लॉट, एक खराब एप्पल ने, एक खराब सेब ने सारे फलों को जो था, ठीक है लॉट तो था, बहुत सारा जो फल था, ठीक है उसको क्या कर दिया, बिगाड़ दिया है, खराब कर दिया है. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बैड कंपनी, ये किसका नतीजा है, ये एक खराब संगत का नतीजा है. इन द सेम वे, इसी प्रकार योर बैड कंपनी विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, और जो आपकी जो क्या है, आपके बुरे साथी है ना, आपके जो है बैड कंपेनियन विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, माने आपके जो बुरे साथी हैं आपके जीवन को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं. देयरफॉर यू शुड कीप ऑफ बैड कंपनी, इसीलिए आपको क्या रहना चाहिए, मतलब खराब संगत से या बुरी मतलब खराब कंपनी को से दूर रहना चाहिए. रहीम रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रहीम ने अपनी क्या करी, गलती का एहसास हुआ उसे, ठीक है महसूस किया. ही प्रोमिस नॉट टू कीप बैड कंपनी इन फ्यूचर एनी मोर, उसने क्या एहसास किया कि अब वो, उसने क्या बोला कि उसने अपने पिता से प्रोमिस किया, उन्होंने क्या बोला कि भविष्य में वो अब क्या करेंगे, अपनी जो बुरी संगत है उससे वो दूर रहेंगे, ठीक है अपने दूर रहने का उसने वादा किया. Dear children, a man is known by the company in which he lives. प्यारे बच्चों, एक आदमी उस जो कंपनी से जाना जाता है जिसमें वह रहता है, कहते कैसी संगत में रहता है वैसा ही वो बच्चा जाना जाता है. If he keeps company with liar, he will also be considered a liar. यदि वह झूठे लोगों के साथ रहता है तो वो झूठा ही माना जाएगा, ठीक है. If he mixed with good boys, he will be regarded as a good boy. यदि वह एक अच्छे लड़कों के साथ रहता है तो वो एक अच्छा लड़का ही माना जाएगा. So you should be careful in choosing your friend. इसीलिए आप अपने दोस्तों को चुनने में सावधानी बरतें. ओके, अब हमारा क्या है, Now moral of this story is a rotten apple spoil the lot. अब क्या इसमें क्या बताया गया है, मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक खराब सेब ने सारे सेब के लॉट को क्या कर दिया, बहुत सारे सेब को खराब कर दिया. अब हमने ये सीखा कि मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी या बैड पीपल. नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल.